घुस गए हैं मैसूर पैलेस के अंदर। आज तो बहुत रश है भाई, हम तो आए थे जब एकदम खाली था, आज सेकंड टाइम आए हम, है ना। आज तो इतना रश है कि पूछो नहीं, है ना। असि आए थे एकदम खाली सी, बड़ा मजा आया तुम। पहले यहाँ चप्पल उतारनी नहीं होती थी, अब यहाँ चप्पल उतारनी पड़ रही है। अब ये नई नौटंकी आज शुरू हो गई है, यहाँ अभी चप्पल उतारिए और बताइए, चप्पल उतार दीजिए, यहाँ पे पहले नहीं होता था। हम यहाँ पे आए हैं तो हमसे कह रहे हैं अब आप नंबर लाइए, नंबर लेंगे तो फिर टिकट देंगे तब जूते लेंगे। अब बताइए, पहले तो सब कहानी थी नहीं, अब पता नहीं क्या नौटंकी शुरू हो गई है। एनीवे हमने जो कुछ भी करा था कर दिया, अब हम चल रहे हैं अंदर। आज पता नहीं क्या हो गया, रश इतना है कि पूछो मत। आज इतना रश लग रहा था नहीं, सब सारा मैसूर और पता नहीं हैदराबाद बेंगलोर सब यहीं आ गया है लगता है ऐसे। उस जमाने के देखो इनके बग्गी घोड़े मैसूर पैलेस के अंदर। ये इनका प्राइवेट दरबार हॉल था जहाँ पे राजा साहब बैठते थे और बगल बगल में इनके मंत्री बैठते थे, बट नाउ दिस हैज बिकम ऑब्सोलीट। ये इनका दरबार हॉल देखिए कितना खूबसूरत। ये मैसूर पे जो हाथी हैं उनके हाथियों के आभूषण होते थे, हाथियों को ये आभूषण पहनाए जाते थे, वो है ये। इस बार देख तो आए हम लोग अंदर से, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई नहीं, जैसे उनकी बग्गियाँ थी स्पेशल जिसपे तांबा चांदी चढ़ा हुआ है, और फिर इनके वो कुछ बर्तन थे बड़े बड़े, और इनके कुछ तलवारें वगैरह थी, इनकी कुर्सियाँ थी राजमहल की, वो सब इनकी एंटीक कारें थी, कुछ दिखाया ही नहीं। इस बार टिकट आगे लग गई और बाकी बहुत कुछ मतलब कुछ मज़ा ही नहीं आया देखने का। पुराने ज़माने में तो अब से बहुत फ़र्क है, मज़ा ही नहीं आया। देखो आप पैलेस की मज़ा देखने का, क्या पैलेशियल पैलेस है ये, देखो आप मस्त बिल्कुल, है ना। और ऊपर क्लाउड्स हैं और मज़ा बना दिया है, ब्यूटीफुल, वेरी खूबसूरत। और ये नीचे देखो इनके साथ अभी फूल वूल अभी लगे नहीं आजकल, इन्होंने पेड़ काटे हुए हैं, नीचे जब पेड़ लगे होते हैं तो बड़ा मज़ा लगता है देखने में। इतना पैलेशियल इधर की ओर है ऐसे, और उतना ही पैलेशियल वो उस तरफ की ओर है। और ये जो है हम इसका पूरा पेरिफेरी देख रहे हैं, ये इसका एक गेट ये है, इस गेट से हम लोग आए थे। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कारें वारे थी इनकी, वो कारें इनकी हैं कि नहीं है, अब अनेबल टू सी। बहुत ही मस्त एरिया था ये, इनका फ्रंटेज आप देखो, ये है इनका फ्रंटेज, वेरी गुड। देखिए यहाँ की इसकी कलाकारी देखो आप इस पैलेस में, इस पर भी देखो सारे बल्ब लगे हुए हैं, रात में जब जलता हो तो बहुत चमकता भी होगा, ये मज़ा आ जाता होगा, ये ब्यूटीफुल। अब हम आगे खाना खाने और हमको कोई जगह मिली नहीं, देखो हम लोग खड़े हुए सब खड़े हैं। और ये देखो एक इनकी साउथ इंडियन थाली वो ये है, इनकी नॉर्थ इंडियन थाली वो एक ये है, और एक इनकी भर्जरी है, वो पता नहीं भर्जरी क्या होता है, वो एक ये है। और ये होटल रेस्टोरेंट का नाम है आहारा वेद। यहाँ पे देखो जमाझम, और ये बेबी सिंह खड़ी है, और हमें जगह नहीं मिल रही बैठने को, हमें बैठने जगह ही नहीं मिल रही, देखो पूरा भरिंग, क्योंकि हम लोग 6 लोग हैं तो जगह नहीं मिल रही थी, अब मिली जाके जगह। हमारी साउथ इंडियन थाली आ गई है, अब देखो ये साउथ इंडियन थाली, पता नहीं ये चावल है, इसमें क्या है आप ही समझो इसमें क्या क्या है। ये मीठा है, ये दही है, ये कुछ और है, और इसमें पता नहीं है। ये देखो आप, ये वही साउथ इंडियन थाली है ना, और साथ में छाछ अलग से है, और चावल इतना सारा दिया है। अब देखते हैं, ये आलू की सब्जी है, ये जो
देखिए बैठिए, खाना वाना खा के सब मस्ती से, कोई ऊँग रहा है, कोई सो रहा है, आप कह रहे हैं चलो पहले होटल चलो, अभी बज रहे शाम के 4:30 बोल रहे हैं होटल सर के हमको चाय पिलाओ पहले, तो हम चलते हैं। लेकिन हम रास्ते में रुक गए थे क्योंकि हम लोगों को हमारा केबल जो है ना, ये वाला, ये लैपटॉप की जो है केबल जो थी कनेक्टिंग यहाँ से विद दी अडाप्टर, वो भाई साहब हम छूट गए, तो उसको हमें लेना पड़ा यहाँ बाज़ार में, तो उसका हमको लग गया चूना, जो हमने लगवाया चूना कितने का, ये उसका बिल है जो चूना लगा मेरे को, लगेगा बिल जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितने का लगा चूना देखिए आप, भाई ये क्या जीएसटी, कितने का लगा चूना, 1050 ये चूना लगा हमको, तो अब हमारा चलेगा, वरना हमारा तो ब्लॉग ही नहीं बन पाता, तो ब्लॉग बनाने के लिए हमको सब काम करना पड़ा। पानी बरस रहा है यहाँ पे, देखिए झमाझम पानी रुक ही नहीं रहा है, अरे बाप रे बाप, सवेरे से यहाँ पानी ही बन रहा है, ये है हाल मैसूर का। तो लो जी, हम पहुंच गए अपने होटल पे जहाँ पे हमने रुकना है आज रात को, गोल्डन रिवेरा, दिस इज द होटल वेयर वी हैव टू स्टे टुनाइट। गुड होटल फ्रॉम आउटसाइड, इट लुक्स गुड, नीचे रेस्टोरेंट है इसका, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे, और ऊपर में सब फिर वो है गुड वन, है ना। और अब हम चलते हैं, अपना अपना सामान निकालो जी, अपना अपना सामान, और सब चलो अंदर। देवी सिंह अंदर बैठी है, अभी दिख रही है, बाकी लोग उतर गए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं अंदर। तो आ गए हम लोग नीचे रेस्टोरेंट में, और हमारे पास 3 कैदी हैं, एक नंबर कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2 और कैदी नंबर 3, ये 3 कैदी हमारे आए हैं जिनको हमने पकड़ा है चाय पीने के लिए, और बाकी हम लोग देखते हैं हमारा क्या होता है। तो पकौड़े हम लोगों ने खा लिए सबने, ये पकौड़े भी ख़त्म हो गए थे, इनके भी ख़त्म हो गए, हाँ, और साथ में हमने चाय पी, और हमारी साथ में जो है हमने खा ले तोले बिस्कुट, ये वाले वीट एंड काजू के बिस्कुट थोड़े साथ में चटनी, मज़ा आ गया चाय का, और साथ में समोसे खाए, ये वाले हल्दीराम, मज़ा आ गया, बहुत मस्त चाय हुई हम लोग की, क्या भाई ये देख, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस स्माइल, बहुत नाराज़ है हम लोग से आज सुबह से ये, लेकिन अभी थोड़ी सी हैप्पी हो रही है क्योंकि चाय पी के अच्छा हो गया, तो हमको बड़ी खुशी हो रही है कि चलो हम लोगों ने इसको मना लिया लड़की को। शॉप ऑफ मैसूर सिल्क विच वी हैव बीन आस्क्ड टू कम हियर and it is now 6:30 and he has said it is closed, it is Karnataka State Industrial Corporation, closed, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, मैडम लोग हैं, मैडम लोग अरे इन साहब से तो बात करते हैं, बात तो कर सकते हैं, आई कैन टॉक टू देम ना। तो दिस वॉज के एस आई सी वेर वी केम, एंड अभी ये 6 बजे बंद हो गया है, तो अब ये कल 9:30 खोलेंगे। हाँ अब आप बताइए क्या बोल रहे हैं, ये सीधा गए तो या सीधा गए सर्कल, हाँ दो सर्कल में लेफ्ट जाइए, लेफ्ट जाइए, दो सर्कल सही गए तो दो सर्कल मिलता, दो सर्कल में लेफ्ट में जाइए, दो सिग्नल मिलता, थोड़ा आगे गए तो उधर ही है के एस आई सी। हाँ अच्छा, क्या नाम से है वो, उसका नाम क्या है शॉप का, यही के एस आई सी, दो सर्कल जाके लेफ्ट में मुड़ने का, और वहाँ पे किधर में, लेफ्ट में राइट में, सीधा गए तो दो सर्कल मिलता, लेफ्ट में गए तो दो सिग्नल मिलता। अच्छा अच्छा, दो सिग्नल और मिलेगा, मतलब 4 सिग्नल हो गया। वहाँ पे बंद पाया हमने के एस आई सी को, तो फिर वहाँ पता चला कि एक के एस आई सी वालों की एक अप्रूव्ड शॉप भी है, और वो शॉप जो है 4-5 किलोमीटर है, वो बंद नहीं हुई होगी, तो फिर हम लोग उस शॉप पे चले गए, वहाँ से हमने कुछ खरीदा खरीदी करी, और फिर वहाँ से वापस आ गए हम लोग 8 बजे होटल, अभी हम लोग होटल में वापस हैं, तो अब जाना है डिनर करने, तो अब कुछ लोग तो निद्रावस्था में पहुँच गए, वो कह रहे हैं हम सोने जा रहे हैं, तो आधा घंटा सो लें, तो ये देखिए आप निद्रावस्था कैसे हो रही पूरी इन लोगों की, ये देखिए निद्रावस्था पूरी हो रही इनकी। चलिए तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर 8:30 बजे चलते हैं डिनर करने। लो जी हमारा टाइम हो गया है डिनर टाइम, 102 नंबर में, चलो भाई उठो भाई 102 नंबर वालों, हम लोग जा रहे हैं, 102 नंबर वाले आ जाओ, हम जा रहे हैं डिनर करने, चलो आ जाओ भैया। फर्स्ट फ्लोर तो पूरा पैक है, यहाँ पर भी लगता है मेरे को है कि नहीं है, आई डोंट नो,
सिक्स पीपल क्यों? हम लोग का छः लोगों का है, छः छः हाँ, यहीं बैठेंगे, यहाँ बैठना है, कुर्सी बैठेंगे, कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठो जी, कुर्सी बैठो, जड़ा बह जाए वो जगह है अजकल तो उत्ते तो पूरा भरया पे उत्ते पूरा पै गया उत्ते पूरा पै गया अरे बारहों हजार पूरा भरया पे उत्ते आपके आपके हम बोलने जा रहे हैं साउथ इंडियन थाली मुस्कियाओ मत अरे मुस्कियाओ नहीं हम आपकी बोल देंगे वन पैक टू पैक अमृत की हाँ नॉनवेज भी है यहाँ पे हम लोग तो खाते नहीं ना नॉनवेज ये खाती है नॉनवेज नहीं नॉनवेज नहीं है नहीं नॉनवेज नहीं है यहाँ पे सॉरी वो नॉनवेज कैसे ही हम लोग आगे बैठे हैं वैसे ही पूरा रेस्टोरेंट भर गया जैसे ही हम आगे बैठे पूरा रेस्टोरेंट पूरा भर गया और अब जो है हमने ऑर्डर कर दिया है हमको एक गार्लिक नान बोल दिया एक हमने बोल दिया लच्छा परौंठा और बाकी तीन रोटी और एक दाल दो रही दो सब्जी एक कोफ्ता एक बटर कुलचा और एक हमने बोला दही और बाकी हमने बोल दिया सब्जी अब इसमें जो बचा है वो आप लोग बता दीजिए क्या बचा हो तो वही हम लोग बोल देंगे अब हंसने की जरूरत नहीं है खाना है आप लोग नहीं खाएगा उसको डांट पड़ेगी पूरा खाना है आप लोग खाना अब देखिए आप रेस्टोरेंट में भर गया रेस्टोरेंट में इसको ये सब लगता है सब लोग जो है ना बर्थडे मनाने के चले आ गए वो देखो इधर सामने भी बर्थडे बन रहा है ये देखो यहाँ केक कट रहा है उनको हम लोग हैप्पी बर्थडे कहते हैं हमको केक मिल जाए खाने को अगर तुझे कह दो ना हैप्पी बर्थडे सामने केक देखेंगे आके इसी माने केक मिल जाए खाने को हाँ इधर भी बर्थडे वाले हैं इधर भी बर्थडे वाले हैं सब बर्थडे वाले बैठे हैं खाना तो इतनी स्पीड से खाया कि पूछो मस्त एकदम चटाचट 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 कुछ बचा ही नहीं सब साफ करके और बोले थे भूख नहीं है भूख नहीं है भूख नहीं सब खा गए चटाचट ये हालत है अब हम चलते हैं अपने रूम में ऊपर एक लड़की वाइफ जो है अपने हस्बैंड को पूछती है कि वुड यू लाइक टू हैव टी इन द इवनिंग वुड यू लाइक टू हैव टी इन द इवनिंग तो हस्बैंड बोलता है कि मैं तुमको कितनी बार कहा कि मुझे अंग्रेजी सही नहीं है तो तुम्हारा इसमें गलती क्या की है तुम्हारा इसमें जो तुमने टी बोला है उसकी स्पेलिंग गलत है क्यों वो इसकी स्पेलिंग टी होती है इसके साथ आपको शुभ रात्रि शब्बा खैर गुड नाइट गुड बाय और आपसे फिर मिलेंगे कल इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ये हम खड़े हैं होटल के बाहर और हमारा चल रहा है खाना पीना सब खत्म ओके गुड बाय